Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता को इस बार काफी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। उज्जैन दक्षिण से भाजपा के विधायक डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके मोहन यादव के पास आधा दर्जन से भी ज्यादा डिग्रियां हैं। वो पढ़ाई में अपनी विशेष रुचि के साथ बीएससी, एलएलबी, एमबीए और पीएचडी जैसी डिग्रियों को कमा चुके हैं। जी हाँ, बात करें तो उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी की है। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बीएससी की, उसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, इसके बाद उन्होंने आर्ट्स की तरफ रुख करते हुए एमए पॉलिटिकल साइंस किया और फिर एमबीए भी किया। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। पीएचडी की डिग्री के बाद उन्हें डॉक्टर की उपाधि भी मिली। इसी के बाद से उनकी एक पहचान डॉक्टर मोहन के तौर पर भी होने लगे है। अति शिक्षित होने के चलते उनकी विधानसभा क्षेत्र में लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। यही नहीं, मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि इतने पढ़े लिखे सीएम मिलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से किसी को मिल गई है, तो मोहन यादव कौन है, उनका निजी जीवन कैसा है। दरअसल भोपाल के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई मीटिंग में 58 वर्षीय मोहन यादव को एमपी के नए सीएम के रूप में चुन लिया गया। यादव स्वयंसेवक संघ के करीबी भी माने जाते हैं। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है। उनकी शादी सीमा यादव से हुई थी। वो काफी शिक्षित हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने के बाद परिवार में काफी ज्यादा खुशी की माहौल है। बाकी आप लोग मोहन यादव के बारे में कितना जानते हैं और एमपी के सीएम के तौर पर वो कितना बेहतर काम कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।